हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, कैसा होता है और उसको कैसे प्लॉट करेंगे। प्लॉट करना है, कैसे बनाना है ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो चलिए दोनों काम साथ में कर लेंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं हमारी और ग्राफ भी प्लॉट कर देंगे, ठीक है ना। तो दोनों काम एक साथ में कर लेंगे। चलिए एक्सरसाइज हम 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। चलो क्या कहा गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखो क्या होता है, ये हम निकाल लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, आपको खुद ही दिख जाएगा कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है। तो चलो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं। चलो पहले आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, चाहो तो बाद में करो। चलो मैं इसको नीचे रख लेता हूं। फर्स्ट स्टेप में हम ग्राफ को नहीं लेते हैं, चलिए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन वन आपका, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, पहले तो जो इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन लिख लो, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करो। x इक्वल्स टू सिंपल लग रहा है इसलिए मैं लिखता हूं 4 माइनस y, ठीक है। अब मैं y की वैल्यूज पुट करते जाऊंगा, x निकालते जाऊंगा और एक टेबल बना लेंगे साइड में। मिनिमम 2 पॉइंट्स आप फाइंड कर लो, 3 निकालोगे तो बहुत अच्छा, x y, ठीक है। अगर अब मैं y की वैल्यू अगर 0 रख दू तो अगर x जैसा मुझको क्या करना है, y की एक एक वैल्यूज रखना है, ठीक है। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, ऐसा समझो या तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, सॉल्यूशंस है कि नहीं वो फाइंड आउट किया था। ये हमको कहा गया था कि टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, फुल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो। हम क्या कर रहे हैं, x और y की वैल्यूज रखते थे, x के रखोगे तो y मिलेगा, y के रखोगे तो x मिलेगा, ऐसा करते थे। तो डायरेक्टली इक्वेशन में भी रख सकते हो या तो फिर किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो x इक्वल्स, जो कि सिंपल हो जाएगा। अगर अब मैं देखो फर्स्ट, हाँ इसी का फर्स्ट, अगर y 0 रखता हूं तो x क्या मिलेगा मुझको, देखो अगर मैंने y की जगह पर 0 रख दिया तो 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझको 4। तो लिख देता हूं यहाँ x इक्वल्स टू 4 व्हेन y इक्वल्स टू 0। सेकेंडली अगर मैंने y इक्वल्स टू मान लो 2 रख दिया, है ना, y की जगह 2 रख दिया तो x क्या मिलेगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, राइट, 4 माइनस 2 तो 2 ही आएगा ना, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2। ऐसे से आपको दो पेयर्स निकालने, तो क्या हुआ देखो, फर्स्ट मिला आपको 4 एंड 0, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, तो टेबल में लिखो x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0। फिर y 2 है तो x क्या है, x भी 2 ही है तो रख दो, x y 2 है और x 2 है, देखो प्रॉपर रखना है, x की जगह पर x, y की जगह पर y, x के रो में x की वैल्यू, y के रो में y की वैल्यू, ठीक है। ऐसे आप टेबल बना लो एक, तो देखो अब दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक पॉइंट मिलेगा a, ये पॉइंट ले लो x कॉमा, देखो कोई भी पॉइंट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताते हो तो x कॉमा y, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो बस अब x, x मतलब क्या है 4, तो पॉइंट ए आएगा 4 आएगा x और y क्या है उसके रिस्पेक्ट में 0, तो पॉइंट ए मिल गया। उसी तरीके से मैं पॉइंट बी भी फाइंड आउट करूंगा, तो पॉइंट बी के लिए x क्या है 2, y क्या है, y भी है 2, तो दो पॉइंट्स मिल गए मुझको, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। बस अगर मैं ये इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ग्राफ पे प्लॉट कर दूं और उनको ज्वाइन कर दूं तो मुझको ग्राफ मिल जाएगा किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका, x प्लस y इक्वल्स टू 4 का ग्राफ मिल जाएगा। तो चलो पॉइंट है हमारे पास, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, a क्या है आपका 4,0 एंड पॉइंट b क्या है आपका, ऐसा भी लिख सकते हो या तीन लाइंस बीच में खींच कर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर रहेगा आपके पास, ग्राफ पेपर में आप ग्राफ ऐसे ड्रॉ करोगे, बीच वाला सेंटर लोगे,
जो डार्क लाइन रहेगी उस पे वाई एक्सिस बनाना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, चाहो तो पेज भी बना सकते। फिर बस 1 सेंटीमीटर पे आपको 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख लेना है। लेफ्ट में ये ओरिजिन होता है ना आपका 0, ये होगा -1, -2, -3, -4। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सब कुछ डिस्कस किया है, ना देखा हो वीडियो जाकर देख लो, क्लियर हो जाएगा हाउ टू प्लॉट पॉइंट ऑन द ग्राफ, ये भी हमने सॉल्व किया है। ठीक है ना, बताओ 4,0 कहाँ पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो x4 ये इधर से चलेगा और y0 इधर से चलेगा, यही रहेगा ना वो, तो 4,0 बताया था ना, अगर y0 है तो वो पॉइंट कहाँ पर होगा? x एक्सिस पे। तो ये ऐसे इधर उधर नहीं करना जो आदत है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो दोनों जगह फिर इंटरसेक्शन लो, वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। नहीं तो वीडियो देख कर आओगे और बोलोगे यार ये तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो वीडियोज में भी कहा गया है पहले ही, अगर y0 है आपका किसी भी पॉइंट का तो पॉइंट x एक्सिस पे लाया करता है। किस पॉइंट पे? जो पॉइंट दिया होगा 4 पे, तो इस केस में ये 4 पर लाया कर रहा है। ये पॉइंट हो गया हमारा फर्स्ट वाला, कौन सा पॉइंट? ए। मैं उसको शेड करके सब सर्कल बना के बना रहा हूँ, ठीक है? आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया, नहीं तो आप छोटा लोगे, एकदम छोटा लोगे, ऐसा छोटा सा दिखाने के लिए। अब पॉइंट बी 2,2 किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कुछ नहीं करना है, ये आपका 1 था, ये 2 था, ये तो लिख लेना आपने, 1 सेंटीमीटर में ला लेना। आई बिलीव सबको ग्राफ बनाते आता है, ग्राफ पेपर के ऊपर। तो 2,2 एक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सीधा, हाँ ऐसा। वाई 2 है तो 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसा, जहां वो इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट मिल जाएगा आपको, क्या? 2,2, और इस पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट बी। समझ गए? उल्टा भी करके देख लो, 2,2 पॉइंट यही है क्या? तो अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो एक्स पे 2 को कट कर रहा है तो एक्स पॉइंट 2 ही है, वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं वाई को कहाँ कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे, तो वाई 2 ही है ना, है मतलब हमारे पॉइंट प्रॉपरली लोकेटेड है। बस अब आपको क्या करना है, स्केल लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना। देखो चली गई उसमें से, थोड़ी बड़ी निकाल लोगे तो कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, ठीक है? ये लाइन होगी, अब इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख देना, ये किसका ग्राफ है, किस इक्वेशन का ग्राफ है, किस इक्वेशन का ग्राफ है? क्वेश्चन क्या था आपका? x+y=4, बस वही लिखना है, थोड़ा सा ऐसा हॉरिजॉन्टली लिखना, क्या? x+y=4, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो पहचानने के लिए अगर एक से ज्यादा आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, तो वो हेल्प होगा आपको लोकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी लाइन किसका, किस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखो ये दो लाइंस एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहे हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने का, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये याद रख लो, ax+by+c=0 विच इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट, ठीक है? मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, याद रख लो स्ट्रेट लाइन, ओके? तो चलो सेकंड क्वेश्चन फिर से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन सेकंड लेते हैं, ये x-y=2, अब इसके लिए सॉल्व करते हैं सेकंड के लिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्या है सेकंड आपका क्वेश्चन? x-y=2, हमने क्या कहा था, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, x=2 क्या आ जाएगा, y को इधर भेज दो 2+y, आप चाहो तो y=2 भी निकाल सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस इस इक्वेशन का यूज करना है। तो चलो फर्स्ट, अगर मैं एक्स वाई की जगह पर 1 रख दूं, तो
तो एक्स क्या मिल जाएगा, देखो ना करके रखो ना, टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, बस एक्स मिल गया थ्री, समझ रहे हो। बी हटा देते फिर से अगर आप रखो, ये कैलकुलेशन करके दिखाना है आपको, वाई इक्वल टू अगर मैं माइनस टू रख दू, ये मेरे ऊपर है, ये आपके ऊपर है, आपको क्या रखना है, मैंने माइनस टू रख दिया, तो देखो अगर मैंने माइनस टू रख दिया है वाई की जगह पर तो क्या आएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो टू माइनस टू जीरो आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो। और जो आंसर आ रहे हैं आपके वैल्यूज वो रख के देखो आपस से, सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। बस हमने क्या कहा था, एक टेबल बनाना है आपको, ये आदत रखो टेबल बनाने की, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री है, उसके लिए वाई क्या है, वन है, अगर एक्स जीरो हो तो वाई क्या होगा, माइनस टू। बस इनको पॉइंट्स में लिख लो, फर्स्ट पॉइंट ए क्या आएगा, थ्री कॉमा वन, एक्स कॉमा वाई लेना है। फिर सेकंड पॉइंट बी क्या आएगा आपका, जीरो कॉमा माइनस टू, ठीक है। अब मुझको बताओ ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। ये कहां रहेगा, किसी क्वाड्रेंट में रहेगा या किसी एक्सिस पे रहेगा, हमने अभी बताया था अगर एक्स जीरो हो जाए तो कहां होगा, वाई पे होगा, और निगेटिव है माइनस टू वाई पे, वहां पर जहां पर माइनस टू आता है वो पॉइंट बी रहेगा, ठीक है। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सिंपल है वैसे तो। ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये रहेगा आपका ओरिजिन, ठीक है। तो पॉइंट ए कहाँ रहेगा बताओ मुझको, ये वन, ये टू, ये है थ्री, ये है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री, चाहो तो आप ज्यादा भी दिखा सकते हो, ठीक है। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है थ्री, एक्स कहां पर है, थ्री, ये देखो यहाँ है, यहां से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। फिर वाई क्या है आपका, वन है, वन वन वाई, वन से पर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे, जहां पे वो इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट होता है आपका, समझ रहे हो। तो चलो अभी के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, डायरेक्टली पॉइंट लिख देता हूँ, जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पॉइंट ए क्या, थ्री कॉमा वन, क्योंकि देखो यहां से परपेंडिकुलर डालो एक्स को कट करेगा थ्री पे, और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ दो वाई पे परपेंडिकुलर डालो तो वाई को वन पे कट करेगा, तो पॉइंट ए यहाँ आएगा, ठीक है। ऐसे ही प्लॉट करते थे हम पॉइंट को। इसके बाद बी पॉइंट प्लॉट करना है, कहां पर है, वाई एक्सिस पे, क्यों, क्योंकि एक्स जीरो है, कहां होगा वाई के, माइनस टू इस पे होगा, माइनस टू कहाँ है आपका, वाई माइनस टू यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर है ना। ये हो गया आपका पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, जीरो कॉमा माइनस टू, ऐसे लिखना है, पॉइंट का नेम भी लिखना है, वो कोऑर्डिनेट क्या है वो भी लिखना है। अब क्या करना है, सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर देना, स्केल का यूज करके, तो चलो ज्वाइन कर देते हैं। स्केल प्रॉपरली लेना और शार्प रखना है आपको हमेशा स्केल, जो आपका पेंसिल होता है, नहीं तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, लाइन थोड़ी साइड से जा रही है, एक पहले वाले पॉइंट से गई और एक साइड से जा रही है, तो इसको बड़ा बड़ा गोल 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 करना शुरू कर देते हैं कि ये दूसरा पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो था, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर ड्रॉ करना है, प्रॉपर ज्वाइन करके फिर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये लाइन मिल गया आपको, और ये किसकी लाइन है, किस इक्वेशन की है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू की, तो बस इसका नेम भी लिखना है फिर यहाँ पर, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, लाइन के ऊपर लिखना है, जिससे ये आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि ये जो लाइन है ये जिस किस इक्वेशन का ग्राफ है, किसका है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू का ग्राफ, समझ गए सब लोग। बस अब इसी को आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा और स्केल लिखनी पड़ेगी, तो स्केल क्या लिखोगे, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस
वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन यूनिट, क्योंकि हमने वन वन ही लिया है ना, ये वन वन सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। बस ब्रैकेट कर लेना अलग अलग स्केल के लिए, ये ऊपर लिखते हैं। आई बिलीव सबको ग्राफ प्लॉट करना आता है, ये तो आप सिक्स स्टैंडर्ड में ही पढ़ते, क्लियर है। चलो फिर अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड तो एकदम रेडीमेड ही है। चलो थर्ड सॉल्व करते हैं, वैसे तो होमवर्क है आपके लिए, बट मैं आपको पॉइंट निकाल कर देता हूं, आपको सिर्फ पॉइंट प्लॉट करना है और ज्वाइन कर। y इक्वल टू थ्री एक्स दिया है, ठीक है, थर्ड मैं सिर्फ पॉइंट्स निकाल कर देता हूँ, तो कुछ नहीं, वैल्यूज ऐसी रखो कि जो छोटी होने, तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एबनॉर्मल वैल्यूज नहीं रखना है, 10 रख दिया, फिर 30 सेंटीमीटर रहेगी आपके इसमें, फिर आपको स्केल एडजस्ट करनी पड़ेगी, फिर वो थोड़ा सा दिक्कत होगा स्केल एडजस्ट करने में, प्रॉपर कैलकुलेशन आना चाहिए, इसलिए ऐसी ही वैल्यू रखो जो सिंपल। तो इसके लिए जो फर्स्ट आएगा, इसी के लिए फर्स्ट हम x की जगह क्या रखेंगे, अब जीरो रख देते, तो y छोटा ही आएगा ना, जीरो इंटू एक्स, मैंने अगर जीरो रख दिया तो जीरो इंटू थ्री जीरो आएगा, y भी क्या आएगा, जीरो, तो एक पॉइंट तो मिल गया हमें टेबल में, जीरो कॉमा जीरो मतलब ओरिजिन में से लाइन जाने वाली, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, अगर मैं x वन रख दू, देखो सिंपल सिंपल रखना है, x वन रख दू, ठीक है, यहां अगर मैं वन रखता इसकी जगह पर, तो थ्री इंटू वन कितना आता, थ्री आता है ना, तो x अगर वन हो तो y कितना आता है, थ्री, x वन हो तो y आया थ्री, तो पॉइंट a आ गया आपको जीरो कॉमा जीरो। इसको ओरिजिन से o भी दिखाते थे, नाम चेंज किया तो चलेगा, ए बी पी क्यू जो नाम देना आप दे सकते। फिर पॉइंट ए क्या आएगा, मैंने देखो ओरिजिन था इसलिए ओ ले लिया, वन कॉमा थ्री, बस प्लॉट करो ज्वाइन, ठीक है। चलो फोर्थ का फटाफट पॉइंट्स निकालते, इक्वेशन क्या है फोर्थ, थ्री इक्वल टू एक्स प्लस वाई, थ्री इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, हमने अभी कहा है किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा थ्री माइनस टू एक्स, बस अब एक्स की वैल्यूज रखो आते जाएगा। एक्स अगर मैंने रख दिया है मान लो वन, छोटा रखना है ज्यादा बड़ा नहीं रखना, अगर आपका बड़ा आ रहा है तो दूसरी वैल्यू रख दो। तो देखो अगर मैंने इसी जगह वन रख दिया तो y कितना आएगा, थ्री माइनस टू वन आ जाएगा ना, तो y आ जाएगा वन, सिंपल है। सेकेंड, अगर मैं इसकी जगह पर जीरो रख दू तो y क्या आ जाएगा, इसकी जगह आप जीरो रखते थे, यहां जीरो रखते थे, तो ये देखो थ्री माइनस टू इंटू जीरो, ये जीरो हो जाता, थ्री माइनस जीरो थ्री आ जाता, तो y की वैल्यू आएगी आपकी थ्री। बस फिर से आपका टेबल, ये टेबल जरूरी नहीं है, बस हम एक आदत रखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये टेंथ में आपको काम आएगा। तो x अगर वन हो तो y भी वन है, x जीरो है तो y थ्री है, जीरो थ्री प्रॉपरली पुट करना है। तो पॉइंट a क्या आएगा, वन कॉमा वन, पॉइंट b क्या आएगा आपका, जीरो कॉमा थ्री, बस पॉइंट प्लॉट करो, उनको ज्वाइन कर दो, इक्वेशन ऑफ योर ग्राफ ऑफ लाइन ड्रॉ हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है।